गिर गया, निकालते हैं इसको जो गिर गया है, आजा आजा, अरे यार ये भी चला गया। ठीक इसी प्रकार जैसे आपने देखा अभी यहां पर, गौर से समझिएगा, मैंने एक बिस्किट डाला उसको खाने के चक्कर में चू गया नीचे, चाय में डुबकी लगा गया, मैंने दूसरा बिस्किट उठाया और उसको निकालने के चक्कर में दूसरा बिस्किट भी डूब गया। ठीक इसी प्रकार यूट्यूब की लाइफ होती है, बात समझना गौर से। अगर मैं इसको ऐसे डुबोए और तुरंत खा लिया तो ये मेरे पेट में गया। अगर ये गिर जाता उसको निकालने के चक्कर में दूसरे बिस्किट का सहारा लेता, निकलो भैया निकलो, तो ये उसी में ये भी खत्म हो जाता। ठीक इसी प्रकार यूट्यूब पर आप लोग करते हैं, गौर से समझिएगा। मान लीजिए हमने वीडियो डाली, वीडियो डाल दी, अच्छा थंबनेल बना लिया, अपने हिसाब से वीडियो अपलोड कर दें, अब उसमें व्यूज नहीं आया। होता होगा ऐसा हमेशा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो यूट्यूब पर कि हमने वीडियो डाली यार तो उसमें करीब 500 व्यू आते थे आपके एवरेज, अब उसमें आपके 50 आए 100 आए, तो अब क्या करोगे आप उसी टेंशन को लेकर कि यार इस वीडियो में यार इतने व्यूज आया, इतना मेहनत किया या नहीं चल रहा है, अब ये टेंशन लिए आप बैठे रहोगे, ये टेंशन आपके दिमाग को खाएगी, ये वीडियो क्यों नहीं चल रही यार, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं ये नहीं चल रही नहीं चल रही, तब आप क्या करोगे, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, आपको चैनल से उलझन लगेगी, वीडियो बनाने से उलझन लगेगी, चैनल पे काम करने से उलझन लगेगी। अगर यहीं पर जैसे मैंने वो बिस्किट गिर गया, मैंने वीडियो डाल दिया, गई यूट्यूब पर, चली नहीं चली कोई बात नहीं, अब मैंने तुरंत दूसरी वीडियो बनाई, बनाने के बाद मैंने डाला ऐसे और तुरंत मैं खा गया, जब बिस्कुट आया वीडियो नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना आपको, मैं खा गया तो ये मेरे मुंह पे चला गया। अगर मैं उसको निकालने चक्कर उसके चक्कर में पड़ जाता, पहले वाले बिस्कुट के चक्कर में, तो ये भी डूब जाता। ठीक इसी प्रकार जो हम वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पर, अगर हम उन वीडियोस के चक्कर में पड़ गए कि यार उस पे व्यूज नहीं आ रहा है, उस पे यार मैंने ये सोचा था इतना आएगा इतना नहीं आया, तो ये चीजें आपको परेशान करेंगे यूट्यूब के अंदर, आपके वीडियो बनाने के जो आपका जुनून होगा, जो आपका मोटिवेशन होगा, उसको ये डाउन करेंगे। तो यहां पर हमें रुकने की जरूरत नहीं है कि एक नहीं चला तो रो के बैठ गया, नहीं भाई नहीं चला कोई बात नहीं यार, आपने एफर्ट किया, आपने वीडियो बनाया, आपने टॉपिक डाला, नहीं चल पाया, लाइक मान लिया आपने किसी एक टॉपिक पे बनाया वीडियो, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, या फिर पनीर सब्जी कैसे बनाए, अंडा कैसे बनाए आपने बनाया, अब वो वीडियो नहीं चला तो अब उसको लेके थोड़ी ना है कि यार ये नहीं चला यार मैं नहीं बनाऊंगा। लाइक मान लो ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है, जैसे सीमा हैदर पे है ना ये चल रहा अभी, और वो वाला SDM वाला केस चल रहा था, अब एक वीडियो आपने न्यूज बनाई, कवर की आपने, अपने ब्लॉग में कवर किया, आपने बताया, नहीं चला, तो क्या उसको लिए बैठ के हम कोई और वीडियो नहीं बना सकते सेम टॉपिक पे, क्या हम कोई और नया वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं डालेंगे, उसको लिए बैठे रहेंगे कि यार वो नहीं चला यार वीडियो नहीं चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यूट्यूब है यार, यहां पर जिससे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, जैसे कि मैंने एक गाना बनाया हुआ था आपको पता है, मैंने दो गाने अपने बनाए, AM म्यूजिक कंपनी चैनल है, एक गाना बनाया राम सिया राम, जिस पर एक अच्छा मैसेज आपको दिया है, आपको अच्छा मैसेज दिया, इतनी मेहनत की, बीमार तक हो गया, लेकिन जो मैं चाह रहा था वीडियो से, उस गाने से, उस मैसेज से कि ये वीडियो चलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, लेकिन वो प्यार नहीं मिला। यहीं पर पहले मैंने दो वीडियो डाली, देखी वो सारी वीडियो लाखों में गई क्योंकि उसमें लड़कियां थी, अब इसमें लड़की मैंने नहीं ली तो ये वीडियो नहीं चला, क्योंकि मैंने इस पे एक्सपेक्टेशन थी, खर्चा किया कि ये वीडियो चलना चाहिए, गाना चलना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने या फिर ऑडियंस ने प्यार नहीं दिया। तो वही चीज है जिससे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, जिस वीडियो से यूट्यूब पर, जिस चैनल से, लाइक मान लिया हमने चैनल बनाया और 6 महीने काम किया, नहीं चला, नहीं हुआ, नहीं ग्रो हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो सकते या फिर हमारा चैनल नहीं चलेगा, कोई बात नहीं यार, आपने उन दिनों में, उन 5 से 6 महीनों में आपने सीखा तो कि थंबनेल कैसे बनता है, वीडियो कैसे एडिट की जाती है, बोला कैसे जाता है,
कैसे कंटेंट खोजा जाता है। अब आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अलग कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं, क्या पता आप उस पर ग्रो हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ही वीडियो डूब गई, नहीं व्यूज आया, आपकी वीडियो में नहीं आया, तो उसको लेकर हमें रोना नहीं है, हमें हर बार एक नया कंटेंट क्रिएट करते रहना है। सेम टॉपिक अगर नहीं चला तो हमें कुछ दिनों बाद फिर से एक टॉपिक को रिपीट करना है, लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक को, तो हमें उसमें बैक टू बैक वीडियो कवर करनी है। और 100% अगर आप बैक टू बैक वीडियो बनाते हैं तो आपकी कोई ना कोई वीडियो जरूर रिस्पॉन्स करेगी पहली वीडियो से अच्छा। याद रखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे टी सीरीज के चैनल है, इतने करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन देखिए हर एक वीडियो में उनके मिलियन में व्यूज नहीं आते, दो दो तीन तीन चार चार हजार व्यूज भी आते वीडियो, तो इसका मतलब है कि उनका चैनल बेकार है। छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं है, चैनल अच्छा है, वो काम कर रहे हैं, क्वांटिटी में वीडियो डाल रहे हैं। नहीं चली कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्राई करेंगे। एक मूवी फ्लॉप हो जाती है तो क्या हीरो वीडियो बनाना या फिर उसको काम करना मिलना बंद हो जाता है या डायरेक्टर काम करना बंद कर देता? नहीं ना, शुरुआती दौर में भैया असफलता ही हासिल होती है। जब आप असफल होंगे उससे आप सीखेंगे, जब आप सीखेंगे तब आप जब कुछ नया करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, वो कमियों को सही करेंगे जो आपने उसमें की थी, ऑटोमेटिक आपको सीखने को मिलेगा और आप पहले से बेटर करेंगे। जब आप पहले से बेटर करेंगे, जो गलती आपने पहले चैनल पे की थी, जल्दी के चक्कर में सब्सक्राइबर बढ़ाए होंगे, आपने गलत तरीके के ट्रैफिक लिए होंगे, वो काम आप बिल्कुल मत करिएगा, आप सही तरीके से काम करिएगा, जरूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज आपको ये चाय और एक बिस्किट ने क्या क्या सिखाया, अब देखिए यहीं पर मैंने भी इस टॉपिक को देखो कैसे कवर किया। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, एक आपका माइंड का ओपन होना, माइंड कैसे आपका सोच रहा है उस चीज को, कैसे चीजों को सोचकर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। हर एक चीज को एग्जांपल लेकर आपको समझाना सबके बस की बात नहीं है। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि YouTube पर आपने चाहे 500 वीडियो डाल दी होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ सीखा नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा है। पहले जब आप शुरू में दौर में थे तब क्या थे, आज क्या है, हारी मानने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये इंटरनेट है यार, आप हारी मान लोगे हजार खड़े हो जाएंगे, आप चले जाओ, नहीं जरूरत है, हजार आ जाएंगे, वो वीडियो बनाएंगे उसमें से गुरु गुरु हो जाए। कंपटीशन तो हर जगह है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, एक चाय की ठेला क्या, अगर एक बतासे का ठेला भी लगाना चाहोगे ना, चार बतासे का, तो भी आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब आप उस कंपटीशन से कैसे लड़ेंगे, कैसे आप क्वालिटी दे रहे हैं, किस तरीके से आप जो हमारे कस्टमर से ट्रीट कर रहे हैं, कैसे आप बिहेवियर आपका, वो मैटर करेगा, टेस्ट आपका कैसा है, उसी हिसाब से आपका चैनल है, ये सारी लाइफ है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। चाय भी ठंडी होगी, पी ले दीजिए।